ताजियों के जुलूस में भगवान राम को कहे, अपशब्द, 15 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार। विहिप जिला मंत्री जोशी ने कोतवाली में सबूत देते हुए वीडियो दिए, तब पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 दिन पहले पुलिस ने अफवाह बताते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को दी थी हिदायत, कहा था सबूत नहीं दे पाए तो झूठी अफवाह फैलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। ताजिया जुलूस के दौरान भगवान श्री राम को अपशब्द कहने पर 15 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने साक्ष्य मिलने पर केस दर्ज किया, इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले पुलिस ने अफवाह बताते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों को हिदायत दी थी कि वे सबूत दें नहीं तो झूठी अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार विहिप नेताओं ने सबूत दिखाते हुए वीडियो उपलब्ध कराए, तब कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अनिमेश जोशी, माधव झा व रवि कुमायूं ने सोमवार कोतवाली थाने में शिकायत की कि 20 अगस्त को मुहर्रम के दौरान गुलाम कादरी के संचालन में बुधवारा क्षेत्र के ताजिए व जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस खारा कुआं व भगत सिंह चौक पर पहुंचा तो झंडा लेकर आगे चल रहे 15 से अधिक लोग नारेबाजी कर भगवान राम व हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। भगत सिंह चौक पर धर्म व देवता के अपमान के वीडियो भी मेरे सहयोगी ने मोबाइल से बनाए हैं। अनिमेश ने बताया कि उनके पास कुछ और वीडियो भी हैं, जिसमें जुलूस में शामिल लोग देश विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। शिकायत व वीडियो में साक्ष्य मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने नामजद 5 और 15 से अधिक लोगों के खिलाफ धारा 153A, 295A, 147, 149, 188 के तहत केस दर्ज किया। इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने जैद बादशाह निवासी अनेश तलाई, जुबेर जाटू निवासी खान शाहवली, नईम कहारवाड़ी, शाहरुख तिगला कहारवाड़ी, गुल्लू उर्फ गुलाम कादरी सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। देश विरोधी नारों की पुष्टि होने पर पुलिस इनके खिलाफ अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज कर सकती है। कोतवाली से नोटिस जवाब में दिए वीडियो। सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम, धर्म व देश विरोधी नारों को लेकर टिप्पणी करने पर पुलिस ने 21 अगस्त की रात एक पत्र जारी कर आपत्तिजनक नारों को अफवाह बताया था। इसके बाद टिप्पणी लिखने वाले हिंदू स्टूडेंट आर्मी जिलाध्यक्ष माधव झा को नोटिस देकर साक्ष्य मांगे थे। इस पर माधव ने जवाब दिया था कि पुलिस मना कर दे कि हिंदू धर्म के देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए गए। वह यह भी बताए कि उनके कंट्रोल रूम स्थित CCTV कैमरों व जुलूस में शामिल कैमरामैनों के कैमरों में यह वीडियो नहीं आए हैं, तब वे पुलिस को वीडियो उपलब्ध कराए हुए हैं, मिलते हैं तो उसमें भी शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललित गटरे, नगर पुलिस अधीक्षक, 15 पर केस दर्ज कर 5 को गिरफ्तार किया, अन्य को हिरासत में लेंगे। मामले में 15 लोगों पर केस दर्ज कर नामजद 5 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक।